शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे M6 कॉटन से। रुपए जी देख रहे हैं M6 कॉटन एक के बाद एक लगातार तेजी की ओर ही जाती चली जा रही है। 43,000 से देख रहे थे कि करेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से करेक्शन नहीं बनी। फिर 46,000, अब देख रहे हैं 47,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। रुपए जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कॉटन लगातार तेजी की ही ओर है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ऊपरी स्तरों पर कॉटन की खरीद फरोख्त थोड़ी कम हो जाए और कीमतों में फिर नरमी आए? देखिए अभी तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार बाजार जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तेजी जो है वो अब जो ये तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है मार्केट में ये लेवल जो 47,000 के आसपास हम देख रहे हैं, ये 50,000 के भी सच होता हुआ दिखाई दे, कोई बड़ी बात नहीं। वायदा में ये तेजी देखने को मिले, क्योंकि अभी इन लेवल्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सचेंज के ऊपर भी हमें लगातार प्राइजेस जो है ऊपरी लेवल के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मार्केट जो है वो तेजी की तरफ बना हुआ है, लेकिन कितना सस्टेन करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी एक अच्छी रैली और इस अच्छी रैली के अंदर एक अच्छे प्राइजेस जो है वो फार्मर्स को इस बार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूशन में बना रह सकता है। छुटमुट तेजी अभी और आती हुई दिखाई दे सकती है जी।